हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। एनटीपीसी जो है वो गेट से रिक्रूटमेंट करता है, और अभी अगर हम देखें टॉप 3-4 PSU की कैटेगरी में कोई गेट टॉपर अगर चूज करता है तो एनटीपीसी को भी रखता है। एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट जो है गाइस गेट 2023 से जो है वो अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी प्रोसेस में है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एनटीपीसी के गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर राउंड टू का फाइनल कट ऑफ वगैरह आया था, शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, और आज जो है एनटीपीसी के राउंड 3 जो है उसकी कट ऑफ भी रिलीज हो चुकी है। शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको मेल वगैरह आया था। तो गाइस, एनटीपीसी का गेट 2023 का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है और राउंड 3 तक पहुंच गया है। राउंड 2 के बाद कई स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करने लगे थे कि अब गेट 2024 से डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, लेकिन मैंने वहां पर भी आप लोगों को मेंशन किया था कि अगर राउंड 3 होता है, अगर राउंड 2 के बाद भी काफी बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो गए लेकिन ज्वाइन नहीं किए जस्ट बिकॉज किसी और पीएसयू में चले गए हैं या फिर आईआईटीज में थे, एमटेक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एमटेक जो है वो उसमें आगे प्रोसीड करने का सोच रहे हैं, तो ये सारे दिमाग में जो रहते हैं इस वजह से कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं। और कुछ जो है वो मेन पावर की अगर एक्स्ट्रा नीड होती है तो वैकेंसीज में भी थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह हो जाता है। तो ये सारे पैरामीटर देख के यहाँ पे राउंड 3 जो है वो भी एनटीपीसी ने गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे रखा है, और अब अगर मान लो इसके भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट गेट 2024 से भी निकाल देंगे। तो आज अगर हम बात करें गाइज, एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पर आके देखते हो तो जो लेटेस्ट नोटिस बोर्ड में जो लेटेस्ट अपडेट आया है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी रिलीज हो चुकी है। इसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनको मेल कुछ दिन पहले ही आ चुका था, बट यहाँ पर वेबसाइट पर ये अभी रिफ्लेक्ट हो गया है और कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो गाइज डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग कट ऑफ है और काफी स्टूडेंट अब पछता भी रहे होंगे इस चीज को देखकर। यहां पर आप अगर देख पा रहे गाइस, गेट एआर कट ऑफ, ये ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ है, स्कोर कार्ड या फिर नहीं वो नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 3 के बाद जो ईईटी 2023 जो गेट 2023 से था वो उसकी लिस्टिंग आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे जनरल में 994 तक जो है स्टूडेंट्स के अगर यहां पर रैंक आ रही है तो वो स्टूडेंट्स यहां पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इससे पहले 994 से पहले। उसके लिए आपका ये जरूरी होना चाहिए कि आपने गेट 2023 के बेसिस पे एनटीपीसी में अप्लाई किया था। अगर इससे ऊपर वाले रैंक वाले बच्चे जो है मान लो 800 रैंक के लेकिन अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली कोई कॉल ही नहीं आएगा। दैट्स व्हाई गाइज, मैंने पिछले वाले जब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था एनटीपीसी गेट शॉकिंग, इसमें राउंड 2 तक का पूरा एनालिसिस करके मैंने बताया था नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो ये वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एनटीपीसी गेट शॉकिंग करके सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, गेट वाला के चैनल पर पड़ा हुआ है। इसमें राउंड 2 तक का पूरा डिटेल एनालिसिस अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिलेगी। यहां पर राउंड 3 के बारे में बात करें गाइस तो ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ इलेक्ट्रिकल में है वो 2830 तक। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में लगभग 2800 रैंक तक भी बच्चा जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। ओबीसी में यहां पे 2054 के आसपास, एससी एसटी में भी अगर आप देखोगे तो गाइज 3700 के आसपास, 4300 के आसपास। इवन मैकेनिकल में अगर आप यहां पर नोटिस कर पा रहे गाइज, एससी में 4400 के आसपास और एसटी में 6400 के आसपास तक बच्चों के पास कॉल आए हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी अगर आप देखें तो गाइस 2500। तो पीएसयू एनटीपीसी जिससे पीएसयू जो टॉप 3-4 प्रिफरेंस होती है गेट एस्पिरेंट की, उसमें कट ऑफ जो है यहां तक जारी है। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, और गाइस यहां पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू होगा, दैट्स व्हाई कट ऑफ इस लेवल पर जा रही है, फिर इंटरव्यू के बाद और जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। डायरेक्ट इस रैंक से अंदर वाले बच्चे ने अगर एनटीपीसी में अप्लाई कर रखा है तो मतलब वो एनटीपीसी में पहुंच चुका है, उसकी जॉब लग चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो ईडब्ल्यूएस में, अब ये कई बच्चे बोलेंगे सर ओबीसी की रैंक तो 2300 है, ईडब्ल्यूएस की जो है वो 6000 है, सर ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मैं आपको बता दूँ ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि बच्चे ही नहीं मिले होंगे उनको, या फिर जो बच्चे होंगे भी सही तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा। ये बच्चा कितना स्मार्ट होगा सोचो कि 6869 रैंक इस बच्चे की है और इसने इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएसयू के अंदर फॉर्म फिल किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये स्टूडेंट है, इसने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है, तो डेफिनेटली इस रैंक पे भी इसका सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6869 के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबका हो गया है, उसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इससे अगला जो बच्चा हो वो सीधा ही 3000 रैंक पर ही हो जिसने अप्लाई करा हो, तो काफ़ी बच्चे जो है कई बार अप्लाई नहीं करते हैं, और यही कारण है कि जो बच्चे अप्लाई कर जाते हैं उनका लक अगर लग गया तो इस लेवल तक भी पीएसयू में जाके सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एनटीपीसी ने ये प्रूव
इम्प्रूव भी किया है। इंस्ट्रूमेशंस की कट ऑफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जनरल में 3300 के आसपास थी, ये भी आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं। सिविल का भी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, EWS में जो है सिविल में 6000 तक भी यहाँ पर बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ है। बाकी अगर आप OBC का भी देखेंगे तो 961 और यहाँ पर SC का 2380। तो अगर आप SC ST का डाटा देखेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर नोटिस हो रहा होगा ऑलमोस्ट सारी ब्रांच में लगभग 3000 से लेकर 6000 तक भी यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। EWS में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6000 की रेंज के आसपास तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1100 13 यहाँ पे अगर आप देख पा रहे 1300 के आसपास, सिविल में भी 314 सिविल का जो है वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग कट ऑफ है। राउंड 3 की कट ऑफ भी इन्होंने दे दी है। अब राउंड 3 की कट ऑफ जब आ चुकी है तो डेफिनेटली गाइज इसके जब जैसे ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होंगे तो आपको गेट 2024 से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो गेट 2024 से जो NTPC का बच्चे वेट कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल कर रहे हैं क्योंकि गाइज काफ़ी बार बच्चे ऐसे होते हैं कि 2000-3000 रैंक होती है और वो फिल ही नहीं करते हैं कि इस पर थोड़ी आ जाएगा, अंडर 100 रैंक चाहिए, अंडर 500 रैंक चाहिए, अंडर 1000 रैंक चाहिए तभी मेरे पास ऑफर आएगा। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं कट ऑफ बता रहा हूँ किस लेवल तक कट ऑफ गई है। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग कट ऑफ यहाँ पर रही है। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं आप में से जो NTPC में गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अप्लाई करने वाले हैं? काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो वो इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपना नेम और रैंक जरूर बता दें जिससे कि बाकी स्टूडेंट को भी आइडिया लग जाए कि किस रैंक तक जो है वो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उस हिसाब से फिर बाकी बच्चे भी एक आइडिया लगा ले कि मेरी पॉसिबिलिटी है या नहीं। बाकी गाइस जब गेट 2024 से इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तब मैं आपको कवर भी कर दूंगा, कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है वैकेंसीज के नंबर के हिसाब से वो सब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गेट 2025 में जो स्टूडेंट अपेयर होने वाले उनके दिमाग में भी क्वेश्चन होता है कि सर गेट 2025 से शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, क्या रिक्रूटमेंट होगा? तो अभी गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारा टाइम है। तो NTPC मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी गेट 2025 से भी रिलीज कर देगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो गाइज यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं, काफी स्टूडेंट कई दिनों से वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि राउंड 3 के बाद NTPC कट ऑफ बता दीजिए। तो ये राउंड 3 के बाद कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कट ऑफ की जो PDF है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट वहां पर जो है वो इस बार ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन किए हैं, और जो ऑलरेडी NTPC में वर्क कर रहे हैं वो सब भी एडेड है। तो आपको कोई भी NTPC से रिलेटेड क्यूरी है आप डालेंगे तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गाइज ये जो PDF है ये भी आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी आप लोग डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि इस लेवल तक भी कट ऑफ जा रही है, जस्ट बिकॉज की स्टूडेंट काफी अप्लाई भी नहीं किए रहे होंगे, अवेयर नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई इस बार मैं आपको हर एक चीज से, हर एक कट ऑफ से भी अवेयर करवाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप वेल इन्फॉर्म्ड रहो। तो क्या आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से अगर अदर PSUs की भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।